हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। शुभ करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आज हम अपने पुष्पा के अंदर लगवाने वाले हैं हाइड्रोलिक क्लच और हाइड्रोलिक ब्रेक, जिसके अंदर लगने वाले हैं मास्टर सिलेंडर जो होता है प्रॉपर, उसके अंदर इनबिल्ड आता है। और कंपनी रहने वाली है ब्रेम्बो। अब ब्रेम्बो आपको पता है कि भाई एक जो है ना बहुत ही खतरनाक कंपनी रहने वाली, जिसकी ब्रेकिंग काफी अच्छी होती है। बट हम जो लगा रहे हैं वो रेप्लिका लगा रहे हैं, क्योंकि ब्रेम्बो कंपनी अगर ओरिजिनल में लेके आऊंगा मास्टर सिलेंडर ये वो, तो उतने की मेरी बाइक भी नहीं है। ये लगा लो आप, इतना महंगा सौदा आता है ब्रेम्बो का। ये देख सकते हो मेरे हाथ में छोटा सा ऑयल कंटेनर है। इसे कंप्लीट अगर मैं लगवा जाऊंगा ओरिजिनल, तो मेरी बाइक की कॉस्टिंग खत्म हो जाएगी, तब भी नहीं आएगा समझ लो। तो काफी महंगी आती है बातचीत, लेकिन फिलहाल ये है कि हम लगा रहे हैं रेप्लिका। तो मतलब रेप्लिका है, बट देखने में देखो इसकी फिट एंड फिनिश कुछ ऐसी रहने वाली है जो देखने में लगेगी नहीं कि भाई ये लोकल रहने वाली है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है, बट ये लगने के बाद जो है काफी बेहतरीन लगने वाली है। और ये लगा लो ओरिजिनल ना सही तो डुप्लीकेट सही, जस्ट लाइक एक होता है ना कि रिबूक नहीं, और रिबोक नहीं तो रिबूक ही सही। पुन्ना भाई क्या चीज है भाई, ये ब्रेक का है और ये वाला क्लच का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सेल्फ हेल्प मारने के लिए तार वार आ रखी है, तो बहुत ही बढ़िया चीज रहने वाली है। और जैसे बाइक छोटा मोटा अगर फॉल वॉल होता है तो देखो ये जो है ना, देखो ये लीवर मुड़ भी जाते हैं, देखो ये मुड़ गया और फिर यहाँ से ये सीधा भी हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सही रहने वाला है। और ये जो है ना एडजस्टेबल भी हो जाते हैं उस तरीके से, देख सकते हैं। हाँ बढ़िया है, मतलब ओके रिपोर्ट है, मतलब हाँ नीचे हाँ गिरेगी तो गाड़ी यूं ना ऊपर थोड़ी गिरती नीचे, बस ज्यादा मतलब ऊपर ना घिस जाएगा तो फिर लूज ही हो जाएगा, लोकल है ना है, ऊपर गिरेगी तो फिर ये नीचे हो जाएगा। तो फिलहाल ये कि इसको हम करते हैं फिट अपनी बाइक में। और ये मास्टर सिलेंडर दिखाने पूरी, इसके अंदर ना इनबिल्ड मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप जो मेरी बाइक में लगा हुआ है। फिलहाल ये कहाँ कहाँ पे प्लेस होने वाला है आपको दिखाता हूँ। चलो भाई चलो पुन्ना लेके चलो। ये कुछ इसके बोल्ट वोल्ट है, कुछ एलंकी है, कुछ ये जो है पत्ती पुत्ती है, मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या लगने वाला है। तो ये वाला जो सिस्टम है ना वो यहाँ आ जाएगा, हाँ ये मेरे पाइप में आएगा ना, ये कंप्लीट ये जो पाइप है ना ये वाला, ये आ जाएगा इस वाले में कहीं पे, ठीक है। ये वाला खुल के ये वाला पाइप यहाँ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर जो है ऑयल कंटेनर की बोतल आ जाएगी, यहाँ सप्लाई आ जाएगी इस वाले में, ठीक है। और ये यहाँ आ जाएगा दोस्तों, और लगने में बड़ा झेल लगने वाला है। फिलहाल भाई ये वाला जो सुनो पुन्ना, नीचे ना ये वाला बोल्ट खोल के ये वाला योक खोल लो पहले। हाँ जी भाई वायर, जी भाई हाँ वायर है भाई, वायर है। ये दीपक कर देगा ना वरना कनेक्शन देख लेंगे जैसे भी होगा, है ना। तो दोस्तों देखो कुछ इस तरीके से हम फिटिंग कर रहे हैं ये छोटे वाले बोल्ट की, भाई वो लगा लेना वार्सल, इसमें वार्सल हो तो ये वो है क्लिप, ये ताकि लीक वीक ना हो, समझ रहे। ये वाले और ये वाले ये पाइप में चढ़ाने पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा ये, ठीक है। देखो दोस्तों कुछ इस तरीके से लगना है, सीधी चूड़ी चलाओगे तो होगा, एलिंग की भी सब में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ना इसके अंदर के हर एक चीज़ मिली हुई, देखो यहाँ पे दिखाना वो क्लिप पन्ना एक बार, जैसे ये मान लो ये ऑयल कंटेनर है, इसके पाइप पे वो क्लिप लगा दी ताकि लीकेज बिल्कुल भी ना हो। देखो तो मतलब आपको हर एक चीज़ मिल जाती है यहाँ पर जो बात है इसके अंदर देखने को, और काफ़ी सही सेट है भाई ये जो बात है, काफ़ी सही। ये जब वहाँ पर लगाना जब ये इसमें टाइट हो उसके हिसाब से यहाँ टाइट हो जाएगा। देखो दोस्तों ये हो गया, देखो यहाँ टाइट, ठीक है। अब ये जो है इसमें आ जाएगा, देखो मतलब आपको हर एक चीज़ जो है पीछे से मिल जाएगी कंपनी से एक तरह से ब्रेम्बो की। बट ये सारी चीज़ें रेप्लिका हैं, बट फिर भी रेप्लिका के हिसाब से काफ़ी सही चीज़ें हैं। पुन्ना भाई इसको इधर कर दो हल्का सा, टाइट होगी तब होगी सेटिंग है ये। तो दोस्तों हम एलंकी यूज़ कर रहे हैं 5 नंबर की, 7 नंबर की, 7 है ओके जी, 7 नंबर की एलंकी रहने वाली है। बस थोड़ा सा ना ये पाइप जो है ये मुझे इसकी फिटिंग अच्छी नहीं लगी पाइप की, ये धीरे धीरे हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या जी, ये पाइप की ये टेढ़ी मेढ़ी डब्बी लग रही है, सीधी डब्बी होनी चाहिए यार, ये डब्बी टेढ़ी लग रही है, ये मुझे तो क्या लग रहा है। तो भाई यहाँ पर जो मेरे ये वाले दो बोल्ट है ना, एक ये वाला बोल्ट है ये वाला बोल्ट, दोनों बोल्ट खोलूंगा मैं 8 की T से, और खोलने के बाद जो है फिर ये अलग हो जाएगा मास्टर सिलेंडर, फिर इसको फिट कर देंगे हम, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके लाउन पकड़ रहा हूँ, तुम यहाँ पे कुछ तरीके से देखो ये फिटिंग हो रही है इसकी, बहुत प्यार से बिठाना है आपको, बहुत प्यार से बैठ भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुन्ना बोल्ट छोटे पड़ेंगे पाइप की वजह से, नहीं ना आ जाएंगे, है ना, ठीक है। बस दोस्तों आपसे ये बोलना चाहूँगा, देखो आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि रेप्लिका है, रेप्लिका मतलब लोकल है, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आप ना इसको जब टाइट करोगे तो बराबर करना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम एक जगह से टाइट करते हैं दूसरी जगह टाइट करते हैं ना, तो दिक्कत आती है। देखो यहाँ पे ना ये चालू हो गया, अब इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे, ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, तो काफ़ी सही लगने वाला है ये। और इसके अंदर हम भर देंगे स्टिंग है, नहीं इसके अंदर हम ब्रेक डालेंगे, और देखो ये ब्रेम्बो दिख रहा है आपको, बड़ा ही प्यार लगने वाला है दोस्तों। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ अपनी पुष्पा के अंदर। भाई मैं हल्का सा नीचे कर दो, हल्का सा लूज़ करना, हल्का लूज़ करो ना, ग्रिप नहीं आएगी, हाँ बस हाँ ठीक है, यहीं टाइट करो। और दोस्तों जो बात है अभी से ही पूरा टाइट करने को नहीं हुआ, लेकिन तब भी ग्रिप बहुत ज़्यादा स्टडी रहने वाला, बहुत स्टडी, मज़ा आ गया भाई। और यहाँ पर जो है इसको एडजस्ट करने के लिए है, नहीं यार ये तो
इसको मैं समझना पड़ेगा दोस्तों, वरना तो दिक्कत दे देगा ये। देन क्या दूं? नट बोल्ट दे दे। नट बोल्ट तो ऐसे रहेगी। ये देखो दोस्तों, बातचीत कह दिया जाएगी इसमें जो बात है। तो दोस्तों इसको तो हमने प्लेस कर दिया, थोड़ा सा पाइप मुड़ा है ये, पता है क्यों मुड़ा? क्योंकि इसको बस कुछ ज्यादा मुड़ गया भाई, रुक जाओ जोश। हाँ तो यहीं पे करो, यहीं पे मैं रोकता हूँ, आप टाइट करो। बस बस तो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है जी। अब जो है मेरे को ये समझना है इसमें कि इसमें ना एडजस्ट करने के लिए कैसे करते हैं, क्योंकि ये हमें आता नहीं है। इसको इतना खुशी हो गया ना, नहीं भाई प्रेशर बनेगा ना इसका। नहीं नहीं अभी ये पाइप लगेगा, प्रेशर बनेगा। ये कहाँ लगेगा तुम्हारा ये क्या? तो गाइज मगज मारी बहुत ज्यादा हो रही है, हमें लग रहा था बहुत इजी होगा, लेकिन कम से ये जो पाइप है ना और इसका जो बोल्ट है ये इसमें जाने में जो है दिक्कत कर रहा है बहुत ज्यादा। और अभी जो है ना इसकी जो चूड़ी है वो ना खराब हो जाए, ये डर लग रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो बस वाली बात है। तो गाइज मैं जा रहा हूँ अभी, वो ऑयल का जो वो है ना मास्टर सिलेंडर, उसका जो बोल्ट है वो बेसिकली उसकी चूड़ी, और जो मैं लेके आया हूँ ब्रेम्बो वाला उसकी चूड़ी अलग अलग है। इस वजह से चूड़ी के लिए नट बदलने जा रहे हैं, मतलब नट नया लेने जा रहे हैं, ठीक है। पता ये है कि अगर वो सही से नहीं बैठाऊंगा तो वो खराब हो जाएगा मास्टर सिलेंडर कहीं ना कहीं, तो इसलिए भाई क्या करें, जाना पड़ रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो गाइज मैकेनिकों ने मना कर दिया कि भाई नहीं हो पाएगा, मतलब जो वो है क्या बोलते हैं बोल्ट अरेंज नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल भाई घूम फिर के मेरे को फहीम भाई की याद आई और मैं फहीम भाई के पास आ गया। तो फहीम भाई बोल रहे हैं टेंशन वाली बात नहीं है, मैं कर दूंगा। तो ये जो है ना बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, जो होल है ना इस होल के चक्कर में इसमें सही से जा रही चूड़ी, देखो कैसी ऐसी है ना। तो ये वही है कि आफ्टर मार्केट है, फिर लोकल है, ऑयल तो है नहीं भाई ब्रेम्बो, तो इस वजह से सीन ये बैठ रहा है कि इसकी जो है ना चूड़ी वूड़ी कुछ सेट करेंगे फहीम भाई, और फिर हो जाएगा मामला चौकस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना फहीम भाई उसकी चूड़ी बना के एकदम ओके कर देंगे, छील लेंगे अंदर से, छल्ली छल्ली कर देंगे। जिस चीज़ का मुझे डर था ना वो चीज़ भाई ने कर दी है एकदम रिजॉल्व, सॉर्टेड हो गया मामला। दिखाना भाई जरा कितना छिला, कुछ छिला दिखाओ ना, घबरा रहे हो। ये देखो दोस्तों, अरे फोकस, ये देखो जी फुल किचन पार्टिकल्स आ गए मेटल के, ये देखो जी, ठीक है ओके। चलो जहर हो गया, कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है पूरा, जहाँ तक आपको चाहिए। नहीं ये भाई तो छोटा हो गया, बड़ा हो गया ना गैप कहाँ से आएगा। अरे पाइप भी तो आएगा, ओहो समझ में, ठीक है ठीक है ठीक है। भाई यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉपर फिट हो चुका है, देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से टाइट हो जाएगा अभी यहाँ पर ये। और इसको ना हमने यहाँ लगाकर और फिर थोड़ी सी ना मगजमारी करनी पड़ेगी यहाँ तार से, क्योंकि मेरा तार ये वाला छोटा, क्योंकि मैंने बाइक ना आगे से उठा रखी है, क्योंकि क्या उठा रखी है मतलब कि जो ये लगा हुआ है ना सेटअप, इसके वजह से गाड़ी उड़ गई है, तार पड़ रहा है छोटा। अब एक आध दिन में देखो देखो टंकी ना आ जाती है, पुन्ना भाई जोश में आए थे दोस्तों, बस बजा अटेंड करो। अभी क्या है कि ये जो सिस्टम यहाँ बैठाना है छोटा पड़ सकता तार, देखते हैं क्या होना है। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं आप, ये रबड़ काट दूंगा मैं, क्योंकि ये तो तार के साथ आती है रबड़, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये वाला देखो आप, लग रहा बातचीत फुल आ रही है, कहड़ी बातचीत। अब मान लो कभी फॉल होता है तो ये टैं समझ रहे कैसे टैं। फिलहाल ये टाइट करने के लिए भी अलंकी हमें कंपनी ने दिए, ब्रेम्बो के लगे हुए हैं, हायाबूसा के आते हैं। देखो लोकल की चीज़ देख रहे हो, लोकल है साड़ा ये, इसकी ये पुन्ना भाई ऐसी क्या चीज़ है भाई, थोड़ी टेढ़ी करो उसकी, हाँ ऐसे यूँ। यहाँ पर सीन ये है कि अब देखो हमने ना वायर को जो है ये वाली वायर बाहर से बाहर निकाल ली है, फिलहाल बाईपास मार दिया इसमें, ठीक है। अभी सीन, हाँ अभी सीन लो पकड़ो क्या दो फिटिंग, इसकी फिटिंग तो वही है तुम्हारे पास, ये लटकी हुई, ये लटकी हुई, ठीक है। अभी क्या सीन है दोस्तों मैं बताऊँ, अभी हमने फिलहाल पाइप को ना बाईपास कर लिया भारी बाहर से, ठीक है। अभी सारा सीन यहाँ पर फंस रहा है अगर कि मैं ना कल परसों में इसका जो पाइप है वो अरेंज कर लूँगा। तो गाइस मैं बॉस का जो है ना इसके अंदर ये डाल रहा हूँ ऑयल, जो कि रहने वाला है .4, मतलब काफी अच्छा ऑयल माना जाता है। जो लाल कलर के आते हैं ना नकली होते हैं, ये व्हाइट रहने वाला है। फिलहाल छोटी सी डिबरी के अंदर हम डाल रहे हैं इसकी, प्यार बुझाएंगे ए भाई साहब, बस ज्यादा ही डालेंगे, इतना ही डालेंगे इतना इसमें लिखा हुआ है मैक्स। और फिलहाल मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, ये यूज मत करना, लेकिन बता दो कभी भी ये टिप इसलिए दे रहा हूँ, कभी बाइक के ऊपर आपका ब्रेक ऑयल गिर जाता है पेंट वेंट के ऊपर, तो पेंट आपका जड़ से उतार देगा। जैसे मान लो लोहे का पार्ट है उस पर कितने तगड़ा पेंट रहा कंपनी, अगर आपने ब्रेक ऑयल डाल दिया छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए तो भाई पेंट उतर जाएगा। तो कभी भी मेक श्योर आप ऑयल डालते हुए वाला ब्रेक ऑयल तो भाई बॉडी पे ना गिरे, आपका पेंट खत्म हो सकता है। किसी दुश्मनी लेनी हो तो भी डाल सकते हो, लेकिन मत लेना भाई, किसी का नुकसान मत करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आगे। यहाँ पे जो पुन्ना भाई प्रेशर बना रहे हैं, और यहाँ देखो कोई हरकत तो नहीं हो रही है इसके अंदर, वो धीरे 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 होती जाएगी हरकत, देखते हैं भाई कैसे क्या क्या होने वाला है। फिलहाल तो भाई देखो करते जाओ, जब थक जाओ पुन्ना बता देना मुझे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी बाइक का जो सेटअप था
वो लग चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर हमारे क्लच लीवर आ गए जो कि एडजस्टेबल रहने वाले हैं। इसको भी मैं टाइट कर सकता हूँ बट मैं अभी छेड़ नहीं रहा फिलहाल के लिए। तार ये वाला जो है क्लच का वायर ये मैं चेंज कराऊंगा क्योंकि ये तार है, देखो मैं इधर कर रहा हूँ ना तो इसकी जो है सेटिंग बहुत आउट होने की वजह से बहुत ज्यादा टाइट होता जा रहा है। तो तार ये बदलेगी या बाईपास होगी या किसी और बाइक की डलेगी वो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल लीवर मैंने लगा दिए इसका, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मिरर टाइट करने की जुगाड़ है बट इसके अंदर मिरर में लगाऊंगा नहीं क्योंकि मिरर जब कभी लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा साइड वाले, ठीक है। फिलहाल अगर बात करें इस साइड की तो यहाँ पे देखो ये आ गया ऑयल कंटेनर की डब्बी ब्रेम्बो की, ठीक है ना, कॉपी रहने वाला है जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया। फिलहाल इसका प्रेशर बन चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन वो ये कि हमें छेड़ना नहीं है, बहुत सही काम कर रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। फिलहाल ये लग चुका है इसके अंदर एडजस्टेबल है ये भी देख सकते हैं आप, ठीक है जी। यहाँ ब्रेम्बो का आपको भी मिल जाएगा तो कुछ ऐसा रहने वाला है। अब बात करते हैं कि इसके साथ जो स्विच आता है ये वाला, ये तार जो है हमने काट के देखो कहाँ है इसका स्विच, कहाँ गया ये रहा। तो ये जो स्विच है ना देखो ये कंपनी का है, जो पहले वाला सिस्टम था उसके साथ चलता था, मतलब जैसे गाड़ी मेरी गियर में, तो गाड़ी गियर अभी देखो क्या न्यूट्रल है, स्टार्ट तो कर एक यहाँ से, तो अभी न्यूट्रल है गाड़ी गियर में डाल, चल इसे स्टार्ट कर ले, तो यहाँ बाइक स्टार्ट हो चुकी, क्लच दबा गियर डाल, अब गाड़ी यहाँ से बंद कर दी, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ऑन हो रही है, क्लच दबा कर रख, अब जरा मारी सेल मारी कर रहा है इसका मतलब काम कर, सही है दोस्तों। तो कुल मिला के ये है कि हमारा जो ये इसके साथ जो इंटरनल जो स्विच मिला है हमारे को, हमने उसकी तार काट के ओरिजिनल वाले तरह जोड़ दिया और एकदम ओके की रिपोर्ट में हो गया। फिलहाल गाड़ी गियर में हमारा वो टायर घूम रहा है। फिलहाल ये लगा सेटअप, आप बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा कैसा नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्रेम्बो वाला क्लच एंड जो ब्रेक का जो लीवर है जो मैंने लगाया है हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस वाला एडजस्टेबल लीवर जो लगाया है सेटअप लगाया है, तो बताना कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में। मेरे तो भाई काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हो गया और काफी अच्छा लगा, अपनी बाइक के अंदर चमाट पड़ता बड़ी जोर से सीन ये था डिब्बी पर हाथ रख दिया, अगर टूट जाती तो भाई गया था लौंडा ये अभी, ठीक है। फिलहाल गौरव मुझे एक बात बता भाई, जो ये सेटअप मैंने तेरे से मंगवाया था तो ये तो इसमें लग गया फिट एंड फाइन क्योंकि ये यूनिवर्सल है, तो ये एक तो यूनिवर्सल रहने वाला है सबसे मेन। और दूसरी चीज ये जैसे मान ले जिस किसी बाइक के अंदर चाहे वो पैशन हो या कोई सी भी जिसके अंदर भाई डिस्क ब्रेक है, खासकर रेडर हो गई या जो डिस्क ब्रेक वाली बाइक है, सब में लग जाएगा ना ये यूनिवर्सल है भाई, स्प्लेंडर में भी लग जाएगा अगर स्प्लेंडर में डिस्क ब्रेक होगी तो। और आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, अगर कमेंट सेक्शन भर भर के आ गए और कम से कम 500 लाइक आ गए इस वीडियो पे, अगर 500 लाइक आ गए तो तुम्हारा भाई अपनी स्प्लेंडर यानी खुशी के अंदर भी मैं ये वाला सेटअप लगा दूंगा, बहुत ज्यादा बढ़िया। फिलहाल जरा इसका तार खोल के चेक कर ले टाइट क्यों हो रहा है। और दूसरी चीज गौरव एक बात बता भाई, जैसे किसी की बाइक में डिस्क ब्रेक नहीं है लेकिन वो डब्बी का मजा लेना चाहता है तो उसके लिए भी हमने चीज मिल जाएगी भाई, डब्बी मिल जाएगी, डब्बी दिखा दे। देखो भाई कुछ इस तरह की डब्बी मिल जाती है, डब्बी में क्या क्या मिल रहा है पहले आप ये देखो। एक आपको ना एक लेग मिलती है सीएनसी मेटल की जिसमें आप जो है डब्बी को होल्ड करा सकते हो, ठीक है जी, क्या बात है भाई। तो ये भी ब्रेम्बो की रहने वाली, देखो बी लिखा हुआ यहाँ पे ब्रेम्बो वाला साइन, देखो यहाँ पे भी देखो सेम यही लोगो, यहाँ पे भी सेम लोगो रहने वाला है, तो ब्रेम्बो की रहने वाली है, ट्रांसपेरेंट है देख सकते हैं आप, देखो यहाँ पे लिखा ना मिनी मैक्स, तो उसके अकॉर्डिंग इसे ठीक कर बेटा। तो ये डब्बी जो है गौरव कितने की देगा फिट करके एज इट इज, ये भाई सिंपल ऐसी लगवा होगा तो 350 रुपए, 350 फिटिंग करके है, और अगर लाइट करके साथ लाइट के संग लगवाओगे तो 450 रुपए की, 100 रुपए बढ़ जाएंगे, ठीक है कुछ अच्छा वो कर रखी है। चलो भाई फिलहाल जो है यहाँ देखो आप इधर ले चलते हैं, ये देखो ये वॉशिंग मशीन मत देखो, इसको देखो आप, ये देखो भाई ये आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है चरण, देख सकते हैं पाइप यहाँ पे आ गया बिल्कुल भी सीधी कर गाड़ी, और ये लाइट जल रही है जो, ये बंद कैसे होगी क्या बात है भाई, अच्छा मतलब इसके कैसे हेडलाइट से है जलाइयो, क्या बात है भाई क्या बात है, देख सकते हैं आप काफी प्यारा है कलर, तो जो मर्जी लगा लो जैसे ब्लू रेड ग्रीन जो मतलब जो मर्जी कलर, तो हमारे जितनी एलईडी में होगी सब लगा दिए, और एलईडी देखो कहाँ लगाइए और वाटर प्रूफ है पानी डला हुआ इसके अंदर, और सबसे मेन बात है पेच वाले रहने वाले डिब्बी है ना, तो चाहो तो ये तो एक लगवा नहीं एक लगवा दो लगवाए दो लगवा है ना है, सही है भाई। तो अपनी स्प्लेंडर में फिलहाल हम बहुत जल्दी लगाने वाले हैं भाई ये चीज, तो दोस्तों मजा आ गया मेरे तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया भाई इसको लगाकर, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी काम अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो खुश रहो, बाय बाय। आज लेट हो गई वीडियो कोई बात नहीं बट कल से इंशाल्लाह टाइम पे वीडियो आएगी, चलो ठीक है बाय।